अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे अरवी के पत्ते से मोमोज। इसके लिए हमें चाहिए होगा अरवी का पत्ता, जो कि हमने धो करके काट लिया है। काटने के बाद यहाँ पर लेंगे लहसुन इमली और हरी मिर्ची, और अब इसको इसी पत्ते के अंदर डाल देंगे और डालेंगे इसके अंदर नमक और इनको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा उसके बाद लेंगे एक बर्तन और इसी के अंदर इसको डाल देंगे ताकि ये जो है सॉफ़्ट हो जाए। ये जब तक सॉफ़्ट नहीं होगा तब तक ये मोमोज़ बनाने के लिए रेडी नहीं होगा। अब इसको ढक देंगे और 5 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पर हमने आटे से छोटी छोटी लोई बना ली है। अब इस लोई से हमें कटोरी तैयार करनी होगी। इसी कटोरी के अंदर हमें फिल करना है। तो आप देख सकते हैं हमने कटोरी तैयार कर ली है और ये 5 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये भी सॉफ़्ट हो गया है। तो इसको एक प्लेट के अंदर फैला लेते हैं ठंडा होने के लिए। कुछ देर के बाद ये ठंडा हो जाएगा, तब तक यहाँ पर हम पतीली चढ़ा देते हैं पानी डाल करके, क्योंकि हमें इसको भपाना है। आप देख सकते हैं ये भी ठंडा हो गया है और हमने यहाँ पर पतीली के ऊपर एक चलनी रख दी है जिसके ज़रिए भाप आ सके। और अब यहाँ पर हमें इस कटोरी के अंदर जो हमने भपा करके रखा हुआ था अरवी का पत्ता वो फील करना होगा और इसको मोमोज का शेप देना होगा। चलिए इस तरह से सारा तैयार कर लेते हैं। ये सारा तैयार हो चुका है और अब आप देख सकते हैं ये पानी भी खोल चुका है, भाप आने लगी है बाहर। तो इसके ऊपर एक एक करके सारा रख देते हैं। रखने के बाद इसको एक बर्तन से ढक देंगे और 15 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। अब आप देख सकते हैं ये बन करके तैयार हो गया है। अगर इसे चाहें आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं और इसको चटनी के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ आसानी से खा भी सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।